अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। सो गाइस, आज हमारा बाहर जाने का नहीं हो रहा, तो आज हम घर में ही हैं। थोड़ा सा काम अंदर का अलमारी का पड़ा हुआ है, जो कुछ टाइम पहले आपने मेरी वीडियो देखी थी, जो दीवार काफ़ी सारी ख़राब हो रही थी, इसी तरीके से अलमारी का बुरा हाल हुआ हुआ है। तो कपड़े जो टांग रखे थे, वो कपड़े जो है ना, इस वक्त बिल्कुल बेकार हालत में हो गए, गंदे हो रहे कपड़े, हालत ख़राब हो गई। कहने का मकसद ये है कि ये शोल्डर्स होते हैं, इनके ऊपर उसी टाइप की काई आ गई है, अब वो छत के ऊपर दोबारा से काई जमा हो गई है। हमने या फिर गौर नहीं किया कि अंदर का हिस्सा, अंदर के सिस्टम भी ख़राब हो सकता है। ये बारिश होने तो ऐसी की तैसी सबकी की है, बस अल्लाह पाक जो है ना अपना हिफ्ज़ अमान में रखे हर किसी को। चलता हूँ आपको लेके, फैमिली काम कर रही है, रेडी हो रही है, चले मैं, हम आते हैं दोनों साथ और हम चलते हैं आपको अपने दूसरे कमरे में लेके, उसके अलमारी का सेटअप दिखा देंगे क्या मसला चल रहा है। ये अलमारी की हालत आपको देख सकते हैं आप, ये देख रहे हैं, ये फिर वैसा ही हाल हो गया। अभी कमरा साफ किया, अलमारी साफ की, सब कुछ किया, फिर वही देखो, ये देखें, ये देखो जरा सारे, देखो कपड़ों को अंदर किस तरीके से। अभी 3-4 दिन ही होंगे साथ, अभी भी 15 रोज पहले, 10 रोज पहले भी साफ करी थी, 3 रोज पहले भी साफ करी थी। ये ऊपर का हाल खराब हो रहा है, ये देख रहे हैं सारी की सारी। अबे क्या बोल सकते हैं, ये देखें, ये हमने कपड़े टांगे थे, सब कपड़ों की हालत देखें कितने ख़राब हो गए, ये सब प्रेस की बताइए, देखें यहाँ भी कितनी बुरी हालत हुई हुई है। छत का हाल दिखा रहा हूँ आपको, ये सारे कपड़े हमारे सब ख़राब हो चुके हैं, पूरी खाली करनी पड़ेगी हमें अलमारी। सील बहुत ज़्यादा आई है इस घर में, माना घर अच्छा है, बना हुआ सही है, ओके सब कुछ है, लेकिन सील इतनी ज़्यादा, वो देखो ऊपर का क्या हाल है, वही हाल है, ये पूरा हाल वही बेकार हाल है, ये पूरा का ऐसी की तैसी हुई हुई है। देने वाले ने भी बेगरत ने ना अपनी, क्या बोलूँ मैं, ऐसा लोगों को झूठ बोल बोल के बैठाते हैं लोगों को। हमें कहा गया था एक भी बूंद नहीं आती इस घर में, और इसी चक्कर में हम राज़ी हो गए, हमने चलो ठीक है 9000 रुपये रेंट देने को हम राज़ी हो गए, लेकिन हम फंस गए। लेकिन अब चेंज बार बार करना ना अजाब इलाही होता है, इतना आसान नहीं होता घर को खाली करके दूसरे घर में शिफ्ट होना, फिर पंचायतें 10-12 दिन आदमी परेशान ही रहता है, हैं गाड़ी का किराया, ये करो वो करो, सब परेशानी वाली बात होती है। तो बिल इतने परेशान कर रहे हैं, जिन लोगों के पास पैसा है उनको कोई परेशानी नहीं है, और जो लोग रेंटों पर रह रहे हैं, प्रॉब्लम में रह रहे हैं, उन लोगों के साथ बड़ी बड़ी परेशानियाँ हैं, वो बेचारे तो परेशान हो जाते हैं बिल देख के। अभी देखते ना, 5000 का बिल आया था, फिर ना गैस का बिल आ गया 800 रुपये का, पानी के 600 रुपये कर दिए। और जो पानी आता है हमारे यहाँ, वो कोई बिल नहीं आता हमारे यहाँ, हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि इधर की लाइन अटैचमेंट है, तो पानी जो है वो आपने देखा ही तो है, अच्छा आता है, लेकिन 600 रुपये जो ना महीना पानी जाने लग गया, पहले 500 जाता था। एक लाइन के 600, सिर्फ एक लाइन के 600 रुपये हैं, दो लाइन है 1200 रुपये हो गए समझ लो। अच्छा नीचे वाला साफ करना जरूरी है, नीचे वाला अगर खाली ना करें हम, ज्यादातर मसला ऊपर से आ रहा है ना। हाँ सारे बाइक कपड़े भी खराब हो गए, वो तो मेरे शोपर में, ये अभी मैंने धोए थे ना, अभी वॉशिंग मशीन लाए थे 4 दिन पहले, सारे तो रखे थे मैंने, वो ये अलमारी भी 3-4 दिन पहले साफ करी थी, सब सारे कपड़े इधर फेंकना पड़ रहा है, पिछले हफ्ते में साफ करी थी, सस्ते को भी मैं तो करती हूँ, आपको पता ही, अब बार बार हो जा रही है, मुझे पता ही, ये भी खराब हो रहा है, हल्का तेज, हल्का तेज, हल्का तेज हो रहा है ना। अभी एक चेंज किया है, दूसरा लगाया, लेकिन दूसरा भी मेरे ख्याल में इसके बल्ब का प्रॉब्लम नहीं है, इसको जो है ना अंदर कोई पानी वानी चला गया। अलमारी खाली करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। मुझे तो थकान हो गई भाई, दिमाग खराब हो गया, सुनने तरह हो रहा गर्मी से, इतनी गर्मी हो रही है। क्या करें,
दो तीन दिन बाद तक यही सब कर रहे, दीवारें साफ करो, ये करो, वो करो, घर के काम क्या होते हैं, ये सब करो। सारे कपड़े मैंने ये ऊपर शोबरों में ही भर के रखे हैं, ये गीले नहीं हो, ऊपर से सील आ रही है। वोल्टेज भी ला के रखते हैं ना यहाँ पे आप, देख के करना हाथ में नहीं लगे। सारी अलमारी खराब हो गई, देख रहे हो आप, ब्लैक हो गए, ये लोग भी ब्लैक हो गए इसके। कुरान पाक भी हटाइएगा उधर से। सारे जो छोटे डब्बे थे ना, वो इतने हो रहे थे, सारे गीले हो रहे थे ना, वो फेंके मैंने तीन दिन पहले सारे। गीले शूज फेंके? शूज तो फेंके हैं, वो भी फेंके हैं डब्बे भी, ऊपर से पानी इतना आया है, क्या करें। लॉकडाउन में लेके आए थे ना, टाइम नहीं गुजर रहा था, मोबाइल कितने चलाएंगे। आप कोई चीज़ ऐसी है जो इधर रखने लायक है? मैं आपको देती हूँ। तो ये हमने पूरी माशाल्लाह क्लियर कर दी है, बेहतर हो गया पहले से। ये ज़रूरत से ज़्यादा जब पहले गंदी हो रही है उससे तो बेटर ही है। तो ये कपड़े जम गए, जान छूटी, ये वाला क्लोज ये मैंने लगा दिए तरीके से। तो हमारा काम ख़त्म हो गया गाइस, फिनिश, हमारी अलमारी फाइनल हो चुकी है। इतनी मुश्किलों से हुआ है काम, इतनी देर से काम करने। अरे भाई बहुत बड़ा पंगा था ये, अब वो तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे कपड़े ख़राब नहीं हुए। तो ये क्लियर कर लिए, ठीक है थे थोड़े बहुत, मैंने अलग करके रख दिया, कल वॉश कर लूँगी, वॉशिंग मशीन लगाऊंगी ना तो हैंड वॉश कर लूँगी आधे, सही है ना, जो मिट्टी में हुए ना सारे कब धुलेंगे, वो काफ़ी निकाल के रखती हूँ। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए करें, और लाइक या शेयर भी कीजिए करें। साइमा विस व्लॉग को, साइमा विस व्लॉग्स 88 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो हमारा भी एक बनता है कि आप एक शेयर का लाइक का तो बनता है हमारा भी। बिल्कुल, तो फिर से आपसे किसी नई वीडियो में मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सही है।